हेलो एवरीवन, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो एक अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फ्री में, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मैदा लिया है इस रेसिपी के लिए। अच्छे से इसे छान लिया यानी छलनी से छान लिया है, और यहाँ पे एक चम्मच मैंने अजवाइन लिया यानी डाल दिया। इससे पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है और स्वादिष्ट भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच तेल, इसके अंदर डालेंगे। इससे तेल से हम इसकी मालिश करेंगे। तो इस सान लेना है यानी तेल से इसे गूंद लेना है। तो इसे तब तक मैं दोनों हाथों से इस तरह से सानूंगी, एकदम इसे मुलायम कर देना है। तो इससे हमारा समोसा जो है, नाश्ता हमारा बहुत खस्ता बनेगा। ये देखिए इस तरह से। मैं एक चुटकी में इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक से स्वाद थोड़ा और अच्छा आएगा। तो इस और फिर से मैं गूंथ ले रही हूँ। ये देखिए हमारा लगभग ये तैयार हो गया है। तो इस तरह से मुट्ठी बनने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारा आटा तैयार हो गया यानी कि सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। पिछली रेसिपी मैंने गेहूं के आटे से ही बनाई थी। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा ही हमें ऐड करना है, एक साथ नहीं डालना है। और आटा हमारा काफी सॉफ्ट लगाना है, मुलायम सा लगाना है। यहाँ पे देखिए हमारा डो लगभग सेट हो गया है, लेकिन हमें इसे 5 मिनट के लिए और इसे गूंथना है यानी कि और मसाज करना है इसका, तभी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, हमारा नाश्ता एकदम खस्ता बनेगा। तो हम इसे जितना इसकी मालिश करेंगे उतना ही ये खुश रहेगा, यानी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा तैयार हो गया है, तो इसे हम ढक के रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए 2 इंच अदरक और ढेर सारी हरी मिर्च, हमारे घर पे तीखा ज़्यादा खाते हैं, और लिए हैं 6-7 लहसुन की कलियाँ। तो इसे मैं कूट लूंगी, इसमें घुमा लेती हूँ मैं इस तरह से। तो तीनों को मैं एक ही साथ पीस ले रही हूँ यानी कि कूट ले रही हूँ, इसमें दरबरा बनता है ये। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, तकरीबन हो जाए तो इसमें डालूंगी 1 चम्मच पचफोरन। मैं यहाँ पे पचफोरन का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें 5 चीजें डली रहती है, सौंफ, मेथी, कलौंजी, जीरा वगैरह सब कुछ रहता है। आप यहाँ पे सिर्फ जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। फोरन जैसे ही लाल हो जाए फिर हम इसमें ये डाल देंगे मसाले, कट कर लिया था बारीक, इसे भी डाल देंगे। इसे भून लेते हैं हल्का। देखिए फ्रेंड, जैसे हमारे मसाले लाल हो जाएंगे मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं जो आप खाने में डालते हैं। और 1 चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। टमाटर लिए हैं यानी कि उबले हुए आलू, इसे अच्छे से मैंने फोड़ लिया था। और डालना इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, और यहीं पे मैंने लिया है आमचूर पाउडर, ये मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये इस रेसिपी में आमचूर पाउडर जरूर डालिए आप, ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हींग ली है, तो इसे भी डाल देना इसके अंदर, तो हींग से भी डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। तो जैसे हम तला भुना खाते हैं तो ये सब चीज़ें हमें डालना चाहिए, जैसे कि अजवाइन, हींग, तो हमारे ये खाने को अच्छे से पचाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो मसाला है फिलिंग एकदम तैयार हो गई है, तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। तो चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए फ्रेंड्स, आटे को हमें फिर से नीट कर लेना, एकदम मुलायम कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैदे के इसे मैं एक ऐसे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ, इससे आसानी होती है चकले बनाने में। लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ कटोरी में लिया है पानी, और 1 चम्मच इसमें डालूंगी मैं मैदा, 2 चम्मच डाल लेते हैं, और इसे अच्छे से घोल लेते हैं, घोल बना लेते हैं इसका, यानी कि पतली सी स्लरी बना लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे पतली सी स्लरी बना लिया है, इसे रख देते हैं साइड में।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक चकला बना लिया है, तो थोड़ा सा लगाऊंगी इसके ऊपर मैदा और इसे मैं रोटी की तरह बेल लूंगी एकदम गोल गोल। तो रोटी हम जितना बड़ा बनाते हैं इसे भी बड़ा बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइज का इसे बेल लिया है, तो क्या करना है, इसे बीच से कट कर देना है। इसके दो हिस्से हो गए हैं और यहाँ से मैं ये मार्क लगा ले रही हूँ और छोटे छोटे लाइंस इस पे कट कर लेना है। पुली कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने अपना मसाला लिया है यानी कि फिलिंग, तो इससे इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे रख देना है और हमें यहाँ पे लगाना है यही जो हमने घोल बनाया है, तो इस साइड लगा देना है और यहाँ पे लगा लेना है और ये वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से दबाते हुए उठाना है, इसे अंदर की तरह प्रेस कर देना है ताकि ये सील हो जाए और यहाँ पे भी इस तरह से दबा लेना है। अब क्या करना है, इसे गोल गोल बहुत ही आसानी से घुमाना है। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, इससे ही हम सभी बना लेंगे। देखिए दोस्तों, एक मैं और बना के दिखा दे रही हूँ। यहाँ से इसे कट कर लेना है, बहुत ही सावधानी से लाइंस बना लेनी है और यहाँ पे पानी लगाना है, हमें तीनों साइड पानी लगाना है। ये स्लरी इस तरह से लगा दिए, ये डन हो गया। और यहाँ से हमारा फिलिंग उठाना है, फिलिंग को ऐसे सिलेंडर बना लेना है और यहाँ पे रख देना है इस तरह से। और ये वाला कोना उठाना है और फिलिंग को अंगूठे से अंदर ढकेलते हुए यहाँ पे जॉइंट कर देना है। ये देखिए, तो ये ट्रायंगल की तरह शेप ले लेता है और इसे धीरे धीरे इस तरह से घुमा देना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन गया। तो इसी तरह से हम बना लेंगे। पानी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा देंगे, नहीं तो ये खुल जाएगा। तो ये देखिए बन गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है यानी मकई का चूड़ा, तो इसे थोड़ा फोड़ लेते हैं। और यहाँ पे हमारे जो हैं समोसे तैयार हो गए हैं। तो क्या करना है, ये स्लरी में इस तरह से डिप कर देना है और यहाँ पे हमारे जो ये कॉर्नफ्लेक्स है इसे अच्छे से चिपका लेना है इस तरह से। ये देखिए, तो एक एक मैं इसके ऊपर रखते जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो गया, तो फटाफट इसे फ्राई करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम कर लेना है और एक एक करके इसे डाल देना है इसके अंदर। तो तेल को हमें ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो हमारे समोसे जल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अलट पलट लिया है, तेल लगभग पकने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी अमेजिंग सी रेसिपी फ्राई हो गई है। इसे निकाल लेती हूँ मैं। अरे, हम दूसरा बैच भी फ्राई कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा थोड़ा ही हमें फ्राई करना है, एक साथ सारा नहीं भरना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस रेसिपी हमारी बन के रेडी हो गई है। घर में कोई ओकेजन हो या किटी पार्टी हो, आप इसे एक बार जरूर बनाएं। ये बहुत ही मजेदार है, बहुत ही झटपट बन जाता है, तो सबको बहुत पसंद आएगा, बार बार पूछेंगे। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ध्यान। बाय।